तस्वीर में दिख रहे शख्स को शायद आप फोटो के माध्यम से नहीं पहचानते होंगे, लेकिन इनकी गाई हुई जो भजन है वो गाने के बाद आप झूम उठेंगे और यही वो शख्स हैं। ज्ञानदीप हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ये हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है गाया है। ज्ञानदीप, सबसे पहले राम भक्तों को आप अपना जो हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी आपने गाई थी वो आप सुनाएं। सभी को जय श्री राम। नौमी दसवीं एकादशी तक लगा रहेगा मेला, ढोल नगाड़े ताशे बाजे झांकियों का रेला। जन्म दिवस है राम लला का, दिन ये बड़ा स्पेशल है। हजारी बाग की नौमी, यहाँ की राम नौमी इंटरनेशनल है। ये तो जल्दी जल्दी आप लोग भी हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी जो ज्ञानदीप ने गाया है उसे शेयर करें और ताकि और भी लोग सुन सके। उसके बाद जो दूसरा सबसे आपका चर्चित भजन है पीके राम रस प्याला, एक्चुअली नशा मुक्ति को लेके ये गीत मेरा आया था 2017 में, काफी पॉपुलर हुआ। कि ये क्या छोटी बात कर दी पीके आ गए मेले में, अरे खुद भी डूबे हमको भी ले डूबोगे जा मेले में। पुलिस से पंगा ओपन दंगा, ये तो गंदी बात है। और पीने से पहले नहीं सोचा राम जी की रात है। राम के हैं भक्त वो राइट रही है, वीर हिंदू रेडी टू फाइट रही है। पीके राम रस प्याला, ओ पीके राम रस प्याला फुल टाइट रही है। चलिए तो ये दोनों जो आपने सुना इनका, सबसे पहले हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी सुनी आपने, उसके बाद पीके राम रस प्याला सुना जिसमें नशा मुक्ति पर भी इन्होंने जोर दिया है। इस साल 2023 है और काफी भव्य तरीके से इस बार रामनवमी निकल रही है हजारीबाग में, उस पर एक आप जो इस साल आपने गाया है वो आप दो लाइन। यस सर, ये 10 साल का सफर पूरा हो गया है मैं उराम का दीवाना सीरीज का, और सबको मेरी तरफ से रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। 2023 का मेरा ये नया भजन आप लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर से एक बार आपके सामने। ओ सिया राम कृपा बरसाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, पढ़ने वाले तर जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सबको मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी, जय श्री राम। चलिए तो ये ज्ञानदीप थे, आपने लगातार 10 वर्षों से इन्हें सुनते आ रहे हैं, किसी भी अखाड़े शोभा यात्रा में इनकी जो भजन है वो बजती है। आज आप दीदार कर रहे हैं ज्ञानदीप का, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग ज्ञानदीप से हमारे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ पाए।